हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में देवी लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा गया है। विष्णु पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि एक बार देवी लक्ष्मी रूठकर बैकुंठ से चली जाती है। देवी लक्ष्मी के चले जाने से देवलोक में अंधकार फैल जाता है, देवता के चेहरे की रौनक ढल जाती है। ऐसे कई अशुभ लक्षण देवलोक में प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, जब सागर मंथन से देवी लक्ष्मी फिर प्रकट होती है, तब कई शुभ लक्षण दिखने लगते हैं। इसी तरह जब देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होने वाला होता है ना दोस्तों, तो कई तरह के शुभ लक्षण महसूस होने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कुछ शुभ लक्षण के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, उल्लू। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है और इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, सामान्य तौर पर यह पक्षी जल्द ही दिखाई नहीं पड़ता है, मगर अचानक से यह आपको कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा होने वाली है और जल्दी आपके घर में खुशियाँ आने वाली है। तो दोस्तों, जब भी ये पक्षी आपको दिखाई दे, यानी कि उल्लू दिखाई देता है, तो जय महालक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य बोले। तो दोस्तों, नंबर दो, देवी लक्ष्मी का जब घर में आगमन होता है ना दोस्तों, तो घर के लोगों के व्यवहार और खान पान की आदतों में भी काफी बदलाव दिखने लगता है। लोगों को भूख कम लगने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अति आहार को दारिद्रता की निशानी माना गया है, जिसे देवी लक्ष्मी की नाराजगी का कारण माना जाता है। लक्ष्मी देवी की कृपा होने पर कम भोजन करने पर भी मन संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है। मांसा और मदिरा के सेवन से मन दूर होने लगता है, मन में भक्ति भाव और श्री विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा महसूस होता है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए लक्ष्मी आगमन के लिए। तो दोस्तों, नंबर तीन, जब देवी लक्ष्मी की कृपा होती है ना दोस्तों, तो उनका घर में आगमन होता है, तो सबसे पहले लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। मन मुटाव, राग द्वेष, अहंकार की भावना कम होने लगती है और परिवार में आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ जाता है। घर में पति पत्नी के बीच तालमेल बैठता है और उनके बीच कलह का माहौल नहीं रहता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा घर में बंद हो जाता है। इसलिए जब ये आभास होने लगे कि परिवार में सद्भाव और प्रेम बढ़ने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए माँ लक्ष्मी आगमन के लिए। तो दोस्तों, नंबर चार, माँ लक्ष्मी को घर में साफ सफाई बहुत प्रिय होती है, उन्हें झाड़ू अतिशय प्रिय होता है। अगर आप सुबह के वक्त कहीं जा रहे हो और आपके घर के बाहर कोई झाड़ू लगाता दिख जाए, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और जल्दी आपको इच्छित फल देने वाली है। तो दोस्तों, नंबर पाँच, अगर सुबह उठने पर आपके कान में कहीं से शंख की ध्वनि पड़े, तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आप पर भगवान की कृपा होने वाली है और आपके घर की काया पालट होने वाली है। तो दोस्तों, ये संकेत होता है लक्ष्मी आगमन का। तो दोस्तों, नंबर छः, गन्ने के रस का भोग भगवान गणेश को लगाने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कोई व्यक्ति आपके घर में गन्ना लेकर आए या फिर आपको स्वयं गन्ना खाने का मन करे, तो यह धन के आगमन का संकेत होता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान दें, गन्ने आपके घर में कोई लाता है, रखता है, तो यह लक्ष्मी आगमन का संकेत होता है। और आप गन्ने का रस खाने का मन करता है, तो समझ लीजिए लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है, जल्दी आपको प्रसन्न होने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये संकेत दिखाई देते हैं, इनमें से एक भी संकेत दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। तो दोस्तों, आपके वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।